हेलो, वेलकम टू एव डिज़ाइनर। मैं हूं आपका दोस्त अंकित। जैसा कि आप सबको पता है कि आज के टाइम में हर चीज़ पोर्टेबल हो रही है। ऐसे बड़े बड़े सिम कार्ड्स छोटे हो रहे हैं और ई सिम हो रहे हैं, तो वैसे ही हमारी कितनी डिवाइसेस ऐसी हैं जो कितनी पोर्टेबल होगी, जिनको कैरी करना ईजी है। बल्कि अब तो बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में फ़ोन की जगह सनग्लासेस होंगी। इंटरेस्टिंग ना? तो हम जो डिज़ाइनर्स हैं, हम क्यों इतने हैवी अपनी डिवाइस कैरी करके ट्रैवल करते हैं? तो हमें भी कुछ ऐसा पोर्टेबल चाहिए जिसमें हम अपने डेली के टास्क या अपडेट्स कर सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं आईपैड की। तो चलो अब शुरू करते हैं। वैसे तो मैं लास्ट 4-5 ईयर्स से आईपैड्स यूज़ करता आ रहा हूँ, डिफरेंट सीरीज के। बट आज हम बात करने वाले हैं iPad Air 5th generation M1 chipset वाले की। 2 वीक्स पहले मैंने ये डिवाइस परचेज करी और मुझे लगा कि शायद मुझे ये आप सबको बताना चाहिए कि जो iPads हैं ये हमारी प्रोडक्टिविटी में कितना ही हेल्प करते हैं। जब हम डिज़ाइन करते हैं या हम कोई ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं तो हम अपने लैपटॉप या PC पे करते हैं। बट अब कितने केसेस में ऐसा होता है कि हम अपना लैपटॉप कैरी नहीं कर सकते, बट हम चाहते हैं कि हम वहाँ पर भी डिज़ाइनिंग कर सकें। तो हमारे पास क्या होता है, एक ऑप्शन होता है, हम अपने फ़ोन में करते हैं। बट फ़ोन की स्क्रीन छोटी होने के कारण हम उसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी अपना इनपुट नहीं कर पाते हैं। और कितनी ऐसी एप्लीकेशन जो फ़ोन के लिए डेवलप होती ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आपका आईपैड आपके सिस्टम को या आपके लैपटॉप को कम्प्लीटली रिप्लेस कर सकता है, बट ऐसी कितनी एप्लीकेशन हैं जो आईपैड के लिए भी डेवलप हो रही हैं, तो जिसमें आप अपने चेंजेस और डेली के टास्क आप अपडेट कर सको। नॉर्मली मैं ऐसी पोर्टेबल डिवाइसेस लास्ट 7-8 ईयर्स से यूज़ करता रहा हूँ, पहले एंड्रॉयड और अब iOS। बट इनके साथ मैं मोस्टली अपना एंटरटेनमेंट पार्ट यूज़ करता था, मूवीज़ कर ली, या हमने डाटा बफर कर लिया, ब्राउजिंग कर ली, कंटेंट रीड कर लिया। बट इसको अपनी प्रोडक्टिविटी के अंदर या फिर अपने डिज़ाइनिंग के अंदर मैं इनपुट नहीं कर पा रहा था। बट लास्ट 2 ईयर से मैं आईपैड को अपने टास्क के साथ भी यूज़ कर पा रहा हूँ। 2020 में मैंने आईपैड 7th generation परचेज किया था विद एप्पल पेंसिल, जिसमें मैं अपने स्केचेस और डिजिटल पेंटिंग का आर्ट वर्क्स रेडी करता था और उसके अंदर मैं अपने डिज़ाइनिंग के टास्क भी करने लग गया। जैसे कितनी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो आईपैड के अंदर भी डिज़ाइनिंग प्रोवाइड करती हैं। बट अभी मैं बात करता हूँ M1 वाले iPad की, कि मैंने इसको पॉइंट आउट क्यों किया है। Apple क्या कर रहा है, वो अपने iPad को अपने MacBook के कंपैटिबिलिटी के साथ का बिल्ड कर रहा है, ताकि जो यूज़र्स अपना लैपटॉप कैरी नहीं कर सकते एवरीवेयर, वो अपने iPad के अंदर वो सब टास्क कर सकें जो वो एक अपने PC से एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर iPad के अंदर अब जो हमारे PC के अंदर चिपसेट आता है, वही चिपसेट iPad के अंदर यूज़ होने लग गया। मैं iPad Pro की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर iPad Air की बात कर रहा हूँ। मैंने iPad Air क्यों पिक किया है, इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर जो आपको स्पेसिफिकेशन मिलती है वो आपको iPad Pro वाली मिलती है, और जो इसका प्राइस है वो इसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट प्राइस है। मतलब अगर आप कोई iPad लेने का सोच रहे हो तो ये बेस्ट iPad रहेगा आपके लिए। इस iPad के अंदर 8GB RAM और M1 चिपसेट है, वही सेम कॉन्फ़िगरेशन मेरी MacBook डिवाइस की है। ये MacBook एक 13 इंच मिनी लैपटॉप है जिसको मैं ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज़ करता हूँ, और ये इतना पावरफुल है कि मेरे डेली के टास्क के लिए मुझे इनफ है। अगर मुझे सेम कॉन्फ़िगरेशन मेरे iPad के अंदर मिल रही है तो जिससे मैं मेरे MacBook जितना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। वैसे तो आप सबको पता है कि जो iPad है इसके अंदर MacBook या हमारे Windows PC के एप्लीकेशंस नहीं इंस्टॉल हो पाते, बट कितनी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो धीरे धीरे इनके कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग डेवलप हो रही हैं, ताकि जो यूज़र्स हैं वो अपने iPad के अंदर भी वो सेम टास्क कर सकें जो एक वो MacBook या एक Windows लैपटॉप के अंदर करते हैं। अगर मैं हम जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स की बात करूँ तो iPad हमारे लिए बेस्ट पोर्टेबल डिवाइस है जो हम अपने ट्रैवलिंग के टाइम पर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली iPads का यूज़ स्टूडेंट और ग्राफिक आर्टिस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स इसके अंदर अपने नोट टेकिंग करते हैं, और जो ग्राफिक आर्टिस्ट हैं वो इसके अंदर डिजिटल आर्ट वर्क्स या फिर डिजिटल स्केचिंग करते हैं। अब जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टूल्स हैं जैसे फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, अडोबी ने उनको iPad के कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग भी डेवलप कर दिया है, ताकि जो iPad यूज़र्स हैं वो अपने बेसिक जो नीड है फोटोशॉप की या इलस्ट्रेशन की, वो आप अपने iPad के अंदर कर सकते हो, और आप उसी फाइल को अपने PC के अंदर सिंक करके आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो कहीं भी और कभी भी। ये तो हुई अडोबी की बात। इसी तरह कितनी एप्लीकेशंस हैं जो iPad के लिए भी डेवलप हो रही हैं, और यूज़र्स iPad को एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं और इसको अपने लैपटॉप या PC से रिप्लेस कर रहे हैं।
है ना इंटरेस्टिंग। आपको पता है कि हम लैपटॉप के साथ मॉनिटर अटैच करके अपना एक वर्क स्टेशन बनाते हैं। आज के टाइम पे लोग आईपैड के साथ मॉनिटर्स कनेक्ट करके, कीबोर्ड कनेक्ट करके एक प्रॉपर वर्क स्टेशन बना रहे हैं और उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। और जब उनको कहीं ट्रैवल करना है या किसी क्लाइंट से मीटिंग करनी है, जस्ट अपना आईपैड अनप्लग करो मॉनिटर से और अपने साथ लेकर चले जाओ कहीं पर भी। और इसी कंसेप्ट को लेकर एप्पल ने भी कितनी सारी एसेसरीज बनाई हैं आईपैड के लिए, जैसे मैजिक कीबोर्ड या यूएसबी हब। तो यूएसबी हब से क्या होगा, आप अपने आईपैड के ऊपर डायरेक्ट अपना मेमोरी कार्ड, डायरेक्ट पेन ड्राइव या अपना मॉनिटर या आप अपना लैन के केबल को कनेक्ट कर सकते हो। और इसी तरह एक एसेसरीज ऐसी है जिसको आप यूज़ करके अपनी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो, वो है एप्पल पेंसिल सेकेंड जनरेशन। आज की वीडियो स्पेशली एप्पल पेंसिल अनबॉक्सिंग और आईपैड और एप्पल पेंसिल की कनेक्टिविटी और इनसे यूज़ होने वाली जो क्रिएटिविटी है उसके ऊपर है। तो चलो आओ अनबॉक्सिंग करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, ये रही हमारी एप्पल पेंसिल सेकेंड जनरेशन। अब बात आती है कि इसको कनेक्ट कैसे करें। जैसे मैंने पहले यूज़ करी है एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन, जिसको कनेक्ट करने के लिए उसके पीछे यहाँ पर एक लाइटनिंग पोर्ट होता है जो आप अपने आईपैड के अंदर कनेक्ट करो और ये उससे पेयर हो जाती है। बट ये सेकेंड जनरेशन पेंसिल है और इसमें ऐसा कोई पोर्ट नहीं है। तो इसको कनेक्ट करने का सबसे ईजी वे है, जो हमारे आईपैड है जिस पर सेकेंड जनरेशन पेंसिल कंपेटिबल है उसके टॉप पर आपको यहाँ पर एक ब्लैक कलर का बार मिलेगा। ये पेंसिल सिंपली उस बार पे टैप हो जाती है मैग्नेटिकली और ये यहाँ पर उससे पेयर हो जाती है। और जब इस पेंसिल को कभी चार्ज करना है तो आप अपने आईपैड से टैप करो, आपकी यह पेंसिल चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब बताते हैं इसको पेयर कैसे करें। इसको पेयर करने की सबसे पहले आप अपना आईपैड लो, आईपैड को अनलॉक करो और आप अपने आईपैड का ब्लूटूथ ऑन कर लो। आईपैड का ब्लूटूथ ऑन करने के बाद जब आप अपनी पेंसिल को ऐसे आईपैड के ऊपर टैप करोगे, आपको यहाँ पर आई पेंसिल पेयर करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू करना है। इस पेंसिल में एक बटन है जो कि आप इससे डबल टैप करके चेंज कर सकते हो। ये उसकी परमिशन है, जो डबल टैप करते हो तो आप कौन सा जो ब्रश है वो चेंज करना चाहते हो, इसको हम बाद में सेट कर लेंगे। तो सिंपली आपकी पेंसिल रेडी हो गई है यूज़ करने के लिए। और जब भी आप अपनी पेंसिल चार्ज करनी है, सिंपली आप आईपैड के ऊपर इसको पेस्ट करो और ये आपके कनेक्ट हो जाएगी और बैटरी परसेंटेज शो करेगी। और बैटरी की परसेंटेज आप विजेट में भी चेक कर सकते हो। अब बात आती है कि इस एप्पल पेंसिल और आईपैड को यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कंटेंट राइटर्स हैं, वो जिनको पेपर पे राइटिंग की हैबिट है बट कीबोर्ड पे टाइपिंग की नहीं, आईपैड में एक ऐसा फीचर है कि जिससे कि आप जब अपने आप हैंड राइटिंग जो आप लिखते हो उसको वो रीड करके एक टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। कि आप किसी पेपर पर लिख रहे हो बट आप उसको जब स्कैन करोगे तो वो एक फ़ोटो ही रहेगी, बट आईपैड के अंदर जब आप लिखोगे और जब उसको आप डन करोगे, फिनिश करोगे उस डॉक्यूमेंट को, तो वो एक पीडीएफ या एक टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप सेव कर सकते हो एज अ पीडीएफ या वर्ड फाइल, या आप उसको कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हो, है ना इंटरेस्टिंग। और उसी तरह जो हम डिज़ाइनर्स हैं, हम इसको यूज़ करते हैं हमारे आर्ट वर्क्स के लिए, हमारे कंसेप्ट्स के लिए। मैं मोस्टली इसको यूज़ करता हूँ लोगो डिज़ाइनिंग के लिए। जब मैं लोगो डिज़ाइन करता हूँ तो मैं सबसे पहले उसकी कंसेप्ट स्केच करता हूँ। स्टार्टिंग में मैं ये पेपर पे करता था बट उससे मेरी पेपर की कॉस्ट भी आती है और मेरे जो स्केचेज हैं वो इतने फाइन नहीं होते, क्योंकि उसमें मुझे कई बार इरेजर भी यूज़ करनी पड़ती है, ओवरराइट भी होता है और कुछ कंसेप्ट इतने डिफ़िकल्ट होते हैं कि जैसे कोई पर्सन है या कोई करेक्टर है उसकी मुझे हेल्प से ट्रेसिंग चाहिए,
तो मैं पेपर पे इतना फ्रीली उसकी जो अनाटॉमी है उन्हें ड्रॉ कर पाता, बट आईपैड के अंदर मैं उसकी इमेज को ट्रांसपेरेंट करके उसके ऊपर न्यू लेयर पे काम करके फिर बैकग्राउंड से जो मेरी रेफरेंस लेयर है उसको डिलीट कर देता हूँ, तो वो काइंड ऑफ बटर पेपर का काम करता है। और सबसे मेन बात, मुझे उसको बाद में स्कैन करने की नीड नहीं पड़ती और वो एज इट इज़ मैं उसको अपने क्लाइंट को शेयर कर देता हूँ एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाकर। अगर मैं बात करूँ यूआई डिज़ाइन की, तो जब यूएक्स पार्ट के अंदर हम वायर फ्रेम रेडी करते हैं तो वो वायर फ्रेम हम जैसे पेपर पे ड्रॉ करते हैं, अगर उससे बेटर हम आईपैड पे ड्रॉ करें, ऐसी कितनी एप्लीकेशंस है आईपैड में जो स्पेशली यूएक्स के लिए है। मतलब कि आप उसके अंदर सेलेक्ट करो आप किस डिवाइस के लिए वायर फ्रेम बनाना चाहते हो, आपको उसका एक मॉकअप या उसका एक फ्रेम मिल जाएगा। सपोज करो मुझे एक आईफोन के लिए एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है, तो मैंने सेलेक्ट किया आईफोन 13, तो मेरे पास एक आईफोन 13 के साइज का आर्टबोर्ड आ जाएगा। तो उस आर्टबोर्ड के ऊपर मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, कुछ भी इरेज कर सकता हूँ अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अगर मैं वही पेपर पे करूँगा तो जब मैं कुछ गलत करूँगा, इरेज करूँगा या फिर से ड्रॉ करूँगा, तो जो मेरी शीट है वो रफ और कितनी डर्टी हो जाएगी। बट आईपैड में ऐसा नहीं है, और आईपैड में ऐसी कितनी एप्लीकेशंस हैं जिसमें अब आप बेसिक शेप को रफली ड्रॉ करो और वो ऑटोमेटिकली उसको फिक्स और यूनिफॉर्म शेप में कन्वर्ट कर देता है। अब बात आती है कि अगर मैं आईपैड 7 जनरेशन यूज़ कर रहा था और मैंने ये आईपैड M1 वाला क्यों परचेज़ किया, ये बात आती है। और मैंने M1 वाला आईपैड एयर 5th जनरेशन ही क्यों किया, आईपैड प्रो क्यों नहीं किया जो कि सेम M1 चिपसेट के साथ है। अगर मैं कंपेयर करूँ आईपैड 9th जनरेशन और आईपैड एयर 5th जनरेशन की, तो जो मेरा 9th जनरेशन है उसकी कॉस्टिंग आती है 28,000 और उसके अंदर आती है 3GB रैम और एप्पल का A13 बायोनिक चिपसेट। बट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आईपैड एयर 5th जनरेशन, ये आता है 8GB रैम और M1 चिपसेट के साथ। तो यहाँ पर मेरे पास इसकी कॉस्टिंग डबल हुई है, मतलब आईपैड 9 जनरेशन 28,000 का और आईपैड एयर 5th जनरेशन 54,000 के प्राइस पर आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है। बट सबसे मेन बात, जो आईपैड 9 जनरेशन है उसकी आती है रेटिना डिस्प्ले, और वो एक आउटडेटेड डिस्प्ले है आईपैड की सीरीज में, और जो उसकी क्वालिटी और रिफ्रेश रेट है वो आईपैड एयर 5th जनरेशन के कंपैरिजन बहुत ही डाउन है। मतलब अगर आपने आईपैड पकड़ा और आप आईपैड यूज़ कर रहे हो और अगर आप उस आईपैड की डिस्प्ले में से आप देखो, तो आपको डिस्प्ले और स्क्रीन के बीच में बहुत डिफरेंस मिलेगा। और अगर आप उसके एप्पल पेंसिल 1st जनरेशन के साथ उस पर ड्रॉ करते हो, तो आपको उसमें थोड़ा सा लैग या फिर एक डिफरेंस मिलेगा कि आप ना किसी ऊपर सरफेस पे चला रहे हो और जो आपकी ड्राइंग है वो किसी नीचे सरफेस पे हो रही है। बट अगर मैं बात करता हूँ आईपैड एयर 5th जनरेशन की, जो M1 वाली है, इसमें आती है लिक्विड रेटिना लेमिनेटेड डिस्प्ले, जिसमें क्या होता है कि आपकी जो स्क्रीन है और जो डिस्प्ले है वो एक ही साथ है, मतलब उसमें कोई गैप नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। अगर आप अपना आईपैड टिल्ट करके देखोगे तो आपको कोई ऐसा डिफरेंस नहीं मिलेगा। बट अगर आप आईपैड 9th जनरेशन देखोगे तो आपको आपकी डिस्प्ले के साथ एक बाहर एक ब्लैक कलर का बॉर्डर मिलेगा। अगर आपकी आईपैड से हाई लेवल की एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे कि अगर आप डिजिटल आर्टवर्क करते हो, तो जो आईपैड 9th जनरेशन है उसके अंदर आपको लेयर्स की लिमिटेशंस मिलती हैं क्योंकि उसकी रैम कम है और उसके अंदर GPU नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ आईपैड एयर 5th जनरेशन की, इसके अंदर 8 कोर का CPU और 8 कोर का GPU है, जिससे आपको किसी भी तरह का लैग नहीं मिलेगा और आपकी जो प्रोसेसिंग है या आपकी जो रेंडरिंग है वो आपको स्मूथ और फास्ट मिलेगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो आईपैड या एप्पल पेंसिल को परचेज करने में, तो मैं इनका बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और अगर आप भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देख रहे हो जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सको, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं यहां पर ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड टिप्स और ट्यूटोरियल्स अपलोड करता रहता हूं। तो आपको जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।